जहाँ पर ये मैंने कांच के ऊपर इंग्रेविंग करके दिखाई आपको, आपने देखा। सो ये हमारे चैनल का नाम है, प्लीज इसको एक बार आप सब्सक्राइब कर दें आप लोग। तो आपने देखा कि इसने काफी ज्यादा इजीली होल कर दिया। हियर यू कैन सी कि इसने कितने इजीली इस चटकनी का जो जंग था वो सारा जंग हटा दिया। एंड अब हम चलते हैं अपनी वीडियो की ओर। हेलो एवरीवन, दिस इज अनस जावेद, वेलकम ऑन अवर यूट्यूब चैनल AH ग्लोबल सॉल्यूशंस। एंड आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक डाई ग्राइंडर मशीन का रिव्यू करने वाला हूँ। इसको हम पिन ग्राइंडर भी बोलते हैं। वेल, काफी टाइम पहले से मेरे पास कंपनी से आया था रिव्यू के लिए एंड अनबॉक्सिंग के लिए, बट कुछ कंडीशंस थी जो मैं इसका रिव्यू नहीं कर पा रहा था। बट आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ इसका पूरा रिव्यू करूंगा, इसके बारे में दिखाऊंगा, टेस्टिंग दिखाऊंगा। एंड अब हम चलते हैं अपनी वीडियो की ओर। आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो, अगर आपको इस मशीन को बाय करना है तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, सो देट आप इस मशीन के बारे में इन्फॉर्मेशन लेके वहां से बाय कर सकते हैं। सो बेसिकली हमारा डाई ग्राइंडर सेट रहता है, अभी ये पूरा सील पैक है, जस्ट कंपनी से आया था ये 2 महीने पहले, बट रिव्यू हो रहा है इसका। सो अभी हम इसको यहां से ओपन करते हैं। एंड यहां पर आप देख रहे हो अच्छी पैकिंग मिलती है और ये उसका पूरा बॉक्स रहता है, ये हमें कंपनी से एज इट इज मिलता है। सो अभी हम इसको ओपन करते हैं। सो दोस्तों, ये हमारा डाई ग्राइंडर है, ये इस तरह से ओपन होता है इसका बॉक्स। बॉक्स ओपन करने के बाद यहाँ पर हमें 160 अलग अलग तरह के टूल्स मिलते हैं जो अभी आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो। ये हमारा डाई ग्राइंडर होता है, तो सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं। बेसिकली ये हमें लाइट वेट में मिलता है। एंड अगर मैं बात करूँ ब्रांड का नाम, तो यहाँ पर डिजिटल क्राफ्ट ब्रांड का नाम मिलता है। सो अभी इसकी स्पेसिफिकेशन दिखाता हूँ। और ये 130 वोल्ट का होता है और इसके अंदर हमें 8000 से लेकर 32000 RPM की, यानी कि राउंड पर मिनट की स्पीड मिलती है। और ये वेरिएबल होता है, हम यहाँ से इसकी स्पीड को अपने काम के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। जैसे अभी आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो, यहाँ पर ये मिनिमम होता है 1 और ये यहाँ पर हमारी मैक्सिमम स्पीड होती है। सो दोस्तों, ये हमारा डाई ग्राइंडर था। और यहाँ पर हमें इसमें मिलता है एक ऑन ऑफ स्विच। यहाँ पर जो हमें ड्रिल चक मिलता है वो होता है 3mm का। सो दोस्तों, ये हमारा ग्राइंडर था, अभी जस्ट पैक है सारा, कंपनी से आया है, अभी हम इसको ओपन करते हैं। उसके साथ हमें अटैचमेंट मिलता है। इसका काम क्या होता है, जिस जगह पर ये ग्राइंडर वर्क नहीं कर सकता, ये वहाँ पर वर्क कर सकता है। ये 360 डिग्री पर हम इससे काम कर सकते हैं। एंड उसके बाद यहाँ पर ये हमें यूज़र मैनुअल मिलता है। इस यूज़र मैनुअल के अंदर हमें एग्जैक्ट दिया होता है कि मशीन को कैसे यूज़ करना है, मशीन की एसेसरीज़ वगैरह होता है, मशीन की एसेसरीज़ को किस तरह से हमें यूज़ करना है, एंड एग्जैक्ट सारी इन्फॉर्मेशन इसके अंदर हमें यहाँ मिल जाती है। और यहाँ पर जो हमें ये 160 तरह के टूल्स मिलते हैं, इनके बारे में मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। ये हमारा सैंड पेपर मिलता है जो अभी आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो। ये हमारा मेटल पे एंड वुडन पे, दोनों पे सैंडिंग करने में काम आता है। डेमो हम आपको दिखाएंगे अभी। यहाँ पर बहुत सारे सैंड पेपर मिलते हैं एंड छोटा सैंड पेपर मिलता है, इसे आप वुडन पे एंड आयरन पे दोनों पे काम कर सकते हो। एंड उसके बाद ये हमें अलग अलग तरह के बफिंग व्हील्स मिलते हैं, ये बेसिकली हमारा मटेरियल पे शाइनिंग लाने के लिए यूज़ होता है। एंड और यहाँ पर हमें 1mm से लेकर 1.5, 2mm, 2.5, यानी कि 1mm से लेकर 3mm तक के ड्रिल बिट्स मिलते हैं। एंड उसके बाद बात करते हैं इस वाली लाइन की यहाँ पर, और ये जो हमें ये वाली लाइन मिलती है, इस लाइन में हमें जितने भी ये बिट्स मिलते हैं, इन बिट्स का यूज़ क्या होता है, इन बिट्स को हम अपने स्टोन पे या मार्बल वगैरह पे, या फिर हम अपने जो ग्लास रहता है, कांच होता है, हम उस कांच पे इंग्रेविंग कर सकते हैं या डिज़ाइनिंग वगैरह कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम और आपको दिखाते हैं, यहाँ पर ये हमें ग्राइंडिंग व्हील्स मिलते हैं, तरह तरह के ग्राइंडिंग व्हील्स मिलते हैं। ये बेसिक जो हमारा लोहा वगैरह होता है, लोहे को ग्राइंड करने के काम आता है। एंड ये वाला जो होता है, ये हमारा वुडन पे एंड लोहे पे दोनों पे ग्राइंड करने के काम आता है। एंड उसके बाद यहाँ पर ये हमें ब्रश मिलते हैं, ये हमारा प्लास्टिक ब्रश रहता है, ये सैंड वगैरह को साफ़ करने के काम आता है। एंड उसके बाद यहाँ पर हमें ये 2 अलग अलग तरह के ब्रश मिलते हैं, ये स्टील का ब्रश मिलता है, ये लोहे वगैरह पे या स्टील वगैरह पे काम करने के लिए यूज़ करा जाता है। ये जो हमें ये सारे ब्रश मिलते हैं, ये सारे ब्रश हमें कॉपर के मिलते हैं, इसका भी हम अभी आपको यूज़ करके दिखाएंगे। एंड उसके बाद यहाँ पर हमें मिलता है
में यहाँ पर 50 से 60 डस्टिंग पेपर्स मिलते हैं, जो अभी आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो। इस सब का भी मैं आपको डेमो करके दिखाने वाला हूँ। एंड उसके बाद यहाँ पर यह हमें डिस्क मिलते हैं। इन डिस्क का काम क्या होता है, हम मेटल वगैरह को कट करने के लिए इस डिस्क का यूज़ करते हैं। एंड उसके बाद यहाँ पर हमें क्या मिलने वाला है, उसके बाद यहाँ पर यह हमें पॉलिश मिलता है। एंड इसका काम क्या होता है, इसको हम अपनी वुडन वगैरह पे या मेटल पे पॉलिश करते समय लगा सकते हैं, जिससे कि हमारी पॉलिशिंग में और शाइनिंग आ जाती है। मिलने वाले हैं, इसको हम बोलते हैं ड्रिल चक। यहाँ पर हमें 4 ड्रिल चक मिलते हैं 3 mm के मशीन के साथ, और ये हमें अलग अलग तरह के ग्राइंडिंग व्हील्स वगैरह मिलते हैं। एंड उसके बाद ये जो हमें मिलता है, ये हमें पत्थर मिलता है। इस पत्थर का क्या काम होता है, इसका होता है इससे हम अपने ग्राइंडिंग व्हील वगैरह को या टूल वगैरह को शार्प कर सकते हैं। एंड उसके बाद हमें यहाँ पर एक ये अटैचमेंट मिलता है, इसका काम क्या होता है, ये हमारा आयरन वगैरह पे जंग साफ करने के लिए आता है। और यहाँ पर हमें ये बड़े वाले डिस्क मिलते हैं, और उसके बाद ये हमें चाबी मिलती है। एंड इस चाबी से हम अपने मशीन के बिट्स वगैरह को टाइट कर सकते हैं एंड खोल सकते हैं। और यहाँ पर ये हमें कुछ और भी टूल्स वगैरह मिलते हैं, इनका काम मैं आपको समझा देता हूँ। ये जो आता है, ये हमारा जो बफिंग व्हील्स होता है, हमारे बफिंग व्हील को लगाने के लिए आता है। इस तरह से हम अपने बफिंग व्हील को लगाते हैं। एंड उसके बाद ये वाला जो आता है, तो इस डिस्क में आप इस व्हील को लगा सकते हैं या सैंडिंग पेपर को आप इस व्हील में लगा सकते हैं। एंड अभी हम इसका डेमो भी दिखाएंगे आपको आगे। एंड अब मैं आपको दिखाता हूँ इस मशीन की टेस्टिंग एंड डेमो। तो यहाँ पर ये मैंने अभी वायर लगा लिया। वायर लगाने के बाद मैं मशीन को ओपन करता हूँ। मैंने अभी इसको ऑन कर दिया। एंड यहाँ से मैं अभी आपको स्पीड बढ़ाकर दिखाता हूँ। ये अभी सबसे मिनिमम स्पीड पर चल रहा है। एंड अभी मैं इसकी स्पीड मैक्सिमम करता हूँ, यानी कि आप देखिए काफ़ी अच्छी स्पीड में चल रहा है ये। एंड अब आप लोगों के साथ इस डाई ग्राइंडर से मैं तरह तरह के टेस्टिंग करके दिखाने वाला हूँ, तरह तरह के डेमो करके दिखाने वाला हूँ। यहाँ पर जो हम सबसे पहला डेमो करने वाले हैं, वो डेमो हम करते हैं वुडन पे। एंड मैं सबसे पहले क्या लेता हूँ, मैं ड्रिल बिट को लेता हूँ। एंड ड्रिल बिट को मैं इसमें सेट करता हूँ वक्त अकॉर्डिंग। यहाँ मैंने अभी 3 mm का ड्रिल बिट लिया। एंड इस ड्रिल बिट को मैं इस मशीन में फिट करता हूँ। सो ये फिट हो चुका है मेरा 3 mm का ड्रिल बिट। अब मैं आपको इसका डेमो दिखाने वाला हूँ इस लकड़ी में करके। सो यहाँ पर सबसे पहले मैं बिल्कुल मिनिमम स्पीड से डेमो करता हूँ इसका, देखते हैं कितनी पावर है मशीन की। सो अभी आपने देखा इसने होल कर दिया। उसके बाद मैं इसकी स्पीड को थोड़ा सा और बढ़ाता हूँ, फिर हम दोबारा होल करते हैं। एंड अभी मैं इसकी स्पीड मैक्सिमम कर लेता हूँ। एंड मैक्सिमम करने के बाद भी हम तो आपने देखा कि इसने काफ़ी ज़्यादा इजीली होल कर दिया। एंड अभी सो इस तरह से ये होल कर देता है। सो इसने ये अभी होल कर दिया। होल करने के बाद मैं आपको इसका और डेमो दिखाता हूँ। यहाँ पर हमें ये बटन मिलता है, इस बटन को जब हम प्रेस करते हैं तो हमारा बिट होता है, वो बिट हमारा जाम हो जाता है। एंड तो अभी आपने देखा इसने मेटल का भी जो जंग वगैरह था, वो जंग काफी ज्यादा इजीली हटा दिया। अभी यहाँ पर ये जो पीतल वाला ब्रश है, ब्रश लगा लिया। उसके बाद मैं आपको इसका जंग साफ करके दिखाने वाला हूँ। ये मैंने एक चटकनी ले रखी है, काफी पुरानी थी। एंड उसके बाद हियर यू कैन सी कि इसने कितने इजिली इस चटकनी का जो जंग था वो सारा जंग हटा दिया। एंड आप देखो यहाँ पर कितने इजिली इस मशीन ने पॉलिश करा।
सो अभी आपने काफी सारे डेमो देखे जो मैंने अभी इस ग्राइंडर से आपको करके दिखाए, बट मैं अभी आपको और भी डेमो दिखाने वाला हूँ। उसके लिए मैं यहाँ पर ये अटैचमेंट मिलता है, इस अटैचमेंट को इस ग्राइंडर के साथ लगाता हूँ। सो सबसे पहले हम अपनी इस ब्रश को खोलते हैं, एंड ब्रश खोलने के बाद यहाँ पर हमें अटैचमेंट लगाने के लिए सबसे पहले इस वाले पार्ट को खोलना पड़ेगा, जो प्लास्टिक का पार्ट रहता है वो पार्ट खोलने के बाद यहाँ पर ही हमारी अटैचमेंट होती है। हम इस अटैचमेंट को लेते हैं, एंड इस अटैचमेंट को लेने के बाद हम इसको यहाँ से बाहर निकालते हैं। ये हमें ये पिन मिलती है, इस पिन को हम अपने ग्राइंडर के अंदर लगाते हैं, एंड जैसे कि अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो। और लगाकर आपको इसको यहाँ से टाइट कर देना है। सो ये हमारी अटैचमेंट मशीन के अंदर लग चुकी है, और अटैचमेंट लगाने के बाद ये हमारा यहाँ से काम स्टार्ट हो जाता है। और हमें इसकी की मिलती है। अब सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर हम इसे कैसे लगाते हैं। सो यहाँ पर लगाने के लिए हमें यहाँ पर इसकी की मिलती है, इस की को हम यहाँ लगाते हैं, एंड यहाँ पर अब हम इस पे लगाने वाले हैं सैंडिंग पेपर। और आप इसको सैंडिंग पेपर को यहाँ से लूज़ और टाइट कर सकते हो, जैसे मैं अभी आपके सामने कर रहा हूँ। सो यहाँ पर ही हमें स्क्रू मिलता है, इस स्क्रू को टाइट करके ही सैंडिंग पेपर हमारी मशीन पे एग्जैक्ट फिट हो जाएगा। सैंडिंग पेपर हमारा अटैचमेंट पे फिट हो चुका है। बाकी ये जो सैंडिंग पेपर होता है इसका डेमो दिखाता हूँ। ये काफ़ी ज़्यादा जंग आया हुआ रॉड है, आप इस रॉड को भी साफ कर सकते हो। इस जंगाए हुए रॉड को इस सैंडिंग पेपर ने कितने इजीली आपने देखा कि इसको साफ कर दिया, एंड ये शाइनिंग कर रहा है। दोस्तों अभी हमने यहाँ पर ये वाला सैंडिंग पेपर लगाया था, एंड सैंडिंग पेपर लगाने के बाद मैं आप और ये जो अभी आप देख रहे हो ये प्लाईवुड एक खुरदुरी सी, मैं इस पर अभी शाइनिंग वगैरह पॉलिशिंग करके दिखाऊंगा इस मशीन से। तो अभी आप देखो ये यूज़ कैसे होता है। सबसे पहले सैंडिंग पेपर से काम करता हूँ। सैंडिंग पेपर थोड़ा सारा खुरदुरा है, तो यहाँ पर ये एग्जैक्ट हमें प्रॉपरली नहीं मिल पाया, बट मैं अभी आपको और करके दिखाता हूँ। सो अभी यहाँ पर दूसरा अटैचमेंट लगाते हैं जिससे कि इस पर हमें प्रॉपरली शाइनिंग मिल जाए, एंड अभी हम इसको खोलते हैं, एंड खोलने के लिए हम इस पर लगाते हैं की। एंड अब हम ये वाला अटैचमेंट लेंगे, इस अटैचमेंट हम पॉलिशिंग करते हैं। तो इसने यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हद तक इसको साफ कर दिया, एंड अब हम यहाँ पर शाइनिंग के लिए प्रॉपरली बफिंग व्हील का यूज़ करेंगे। सो अब मैं बफिंग व्हील को लगाता हूँ इस पर। सो यहाँ पर बफिंग व्हील लगाने के लिए मैं सबसे पहले यहाँ पर मैंने बफिंग व्हील ले रखा है, एंड इस बफिंग व्हील को मैं यहाँ पर लगा देता हूँ मशीन में। एंड सो फाइनली अभी हम इस पर बफिंग का काम करते हैं। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा फर्क दिख रहा है, काफ़ी अच्छे हद तक साफ हो गया। एंड अब यहाँ पर हम थोड़ा सा पॉलिश लगाते हैं जिससे कि इस पर एग्जैक्ट प्रॉपरली चमक आ जाएगी। तो मैंने ये पॉलिश लिया। सो यहाँ पर अभी हमारा पॉलिश लग चुका है, एंड पॉलिशर लेने के बाद मैं दोबारा इसका करता हूँ। यहाँ पर मैं अभी इसमें दूसरा पॉलिशिंग व्हील लगा रहा हूँ, एंड जिससे कि और अच्छे से इसको पॉलिश कर देगा।
यहाँ आप देख सकते हो कि इसमें और इसमें कितना डिफरेंस है। इसने पूरी तरह से इसको पॉलिश कर दिया एंड शाइनिंग आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे होगे कि काफ़ी ज़्यादा ये शाइन कर रहा है। एंड अभी मैंने आपको इसको शाइन करके डेमो दिखाया एंड उसके बाद मैं आपको यहाँ पर थोड़े से कुछ और डेमो दिखाता हूँ मेटल के ऊपर। एंड यहाँ पर ये ग्राइंडिंग व्हील है, अभी मैं आपको ग्राइंडिंग करते हुए दिखाऊंगा। सो ये ग्राइंडिंग व्हील को मैंने इसमें लगाया। ये हमारा ग्राइंडिंग व्हील इसके अंदर लग चुका है एंड अभी ये मटेरियल है, ये मेरा वुडन है। इस वुडन पे मैंने काफ़ी ज़्यादा कीले वगैरह लगा रखे हैं एंड मैं इस कीलों को ग्राइंड करके दिखाता हूँ और कटिंग करके भी दिखाऊंगा आपको। यहाँ आपने देखा कि इसने इसको पूरे तरह से इसके मुंह को खत्म कर दिया एंड मैं अभी आपको ये बात तो और करके दिखाने वाला हूँ। सो अभी आपने देखा ये मोटे मोटे कील थे, इन कीलों को कितने ज़्यादा इजीली इस ग्राइंडिंग व्हील ने ग्राइंड कर दिया एंड उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा इनकी कटिंग करते हुए। सो ये मैंने कटिंग व्हील ले रखा है क्योंकि यहाँ पर हमें जो पैकेट मिलता है उसमें 50 से 60 हमें यहाँ कटिंग व्हील मिलते हैं। सो यहाँ पर अभी हम अपना मेटल वाला डिस्क लगाने वाले हैं। इसके लिए हम स्क्रू को ओपन करते हैं। यहाँ पे जो हम स्क्रू को हमने खोला, यहाँ पर हमें ये दो सील्स मिलती हैं। इन सील्स को हमें यहाँ लगाना होता है यहाँ पे इस तरह से। सो यहाँ पर अभी है ये टाइट हो चुका है। लग चुका है कैसे, तो यहाँ पर ही हमारा डिस्क लग चुका है। तो अभी हम इस मटेरियल को कट करके दिखाने वाले हैं इस डिस्क से। देखिए आपने इसे इसने कट कर दिया। इसने इसको काफी ज्यादा इजीली कट कर दिया और ये डबल कट भी दिखाने वाला हूँ मैं आपको। बाकी हमारा स्क्रू वगैरह भी कट कर सकता है जैसे कि अभी मैं आपको दिखाता हूँ। तो अभी आपने देखा ये यहाँ से पूरा कट गया और उसके बाद ये वाली।
ये हमारा कट चुका है एंड उसके बाद और यहाँ पर मैं अभी आपको वुडन कट करके दिखाने वाला हूँ। बेसिकली वुडन इससे कट नहीं होती है, उसके लिए अलग से ब्लेड आता है, बट वो मेरे पास अवेलेबल नहीं है। फिर भी मैं आपको कट करके थोड़ा सा वुडन दिखा देता हूँ। तो ये मेरा वुडन है, तो इसने वुडन को कट तो कर दिया, लेकिन ये वुडन को कट करने के लायक नहीं है क्योंकि ये मेटल वाला आता है, तो थोड़ा बहुत आपकी वुडन को जला भी देगा, बट हाँ कभी कभार आप इसे कट कर सकते हो। एंड मैं अब आपको डेमो दिखाता हूँ पॉलिशिंग का। यहाँ पर मैंने स्टील वाला ब्रश लगाया है, इस ब्रश से मैं आपको थोड़ी सारी और डेमो दिखाता हूँ। यहाँ आपने देखा कि इसने काफ़ी ज़्यादा इजीली इसको शाइन कर दिया। मैं आपको यहाँ पर एक लास्ट डेमो और दिखाता हूँ एंड फिर फाइनली हम मेटल पे थोड़ा सा कुछ इंग्रेडिएंट्स। आपने देखा इसने मेटल को काफ़ी ज़्यादा इजीली चमका दिया। एंड उसके बाद मैं यहाँ पर सबसे लास्ट डेमो कांच के ऊपर डिजाइनिंग करके एंड इंग्रेविंग करके दिखाने वाला हूँ। सो यहाँ पर आप देखते रहिएगा। यहाँ पर अभी हम कांच के लिए हमें ये पूरी सीरीज मिलती है, हम इस सीरीज में से सबसे पहले इस वाले टूल को लेते हैं एंड हम कांच पर डिजाइनिंग करके दिखाते हैं। सो यहाँ पर मैंने इस टूल को लिया एंड इस टूल को लेने के बाद मैंने अच्छे से टाइट करा एंड उसके बाद मैं ऑन करता हूँ ग्राइंडर को। एंड यहाँ पर अभी हम लिखते हैं अपना जहाँ पर ये मैंने कांच के ऊपर इंग्रेविंग करके दिखाई आपको, आपने देखा। सो ये हमारे चैनल का नाम है, प्लीज इसको एक बार आप सब्सक्राइब कर दें, आप लोगों के लिए मेहनत करके वीडियो बनाता हूँ। एंड अभी कांच के ऊपर थोड़ी से डिजाइन और करते हैं। तो यहाँ पर हमने कांच के ऊपर इंग्रेविंग कर आपको दिखाई। यहाँ पर ये हमारे चैनल का नाम है, आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें क्योंकि आप लोगों की नई वीडियो बनाई है। और एंड अभी आप लोगों ने इसके सारे डेमो देखे। सो हेलो एवरीवन, अगेन अनस जावेद आपके सामने है एंड मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, अभी आपको आवाज आ रही होगी। एंड अभी आप लोगों के साथ डिजिटल क्राफ्ट के डाई ग्राइंडर का रिव्यू करा, टेस्टिंग करी, अनबॉक्सिंग करी। एंड आपको दोबारा बता देता हूँ मशीन की ब्रांड का नाम है डिजिटल क्राफ्ट, जो मेरे पास स्पेशली डेमो के लिए आया था। एंड यहाँ पर हमें 8000 से लेकर 32000 आरपीएम तक की स्पीड मिलती है, 160 वोट की मशीन है, मशीन वेरिएबल है, आप स्पीड को बढ़ा सकते हो। और जो इसका यूज होता है, इस मशीन का बेसिकली यूज इंग्रेविंग के काम में होता है, डिजाइनिंग के काम में होता है। सो अगर आप स्टूडेंट हो तो आप अपने क्राफ्ट के काम के लिए भी इस मशीन को बाय कर सकते हो। एंड इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको तरह तरह के डेमो दिखाने की कोशिश करी। एंड यदि आप इस मशीन के सारे डेमो देखने के बाद संतुष्ट हुए, जो भी आपने अपनी स्क्रीन पे देखे सारे डेमो, एंड यदि आपको ये डेमो अच्छे लगे या आपको कुछ इसके अंदर एडिशन करना है तो आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। एंड डेमो देख के आपको पता चल गया होगा इस ग्राइंडर की कितनी पावर है, कैसे काम करता है। सो फाइनली अगर आप इस मशीन को खरीदना चाहते हो तो आप स्क्रीन पे दिए गए इस नंबर पे कॉल कर सकते हो और कॉल करके आप अपना ऑर्डर दे सकते हो। आपको ऑल ओवर इंडिया डिलीवरी मिलती है आपको। एंड यदि आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करें, सो देट आप मेरी अगली वीडियोस की नोटिफिकेशन को इजीली पा सकें। एंड यदि आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हर उस इंसान तक इस वीडियो को पहुंचाइए जिसको एक्चुअल में इस मशीन का नीड है। एंड वीडियो देखने के लिए और इस चैनल पे आने के लिए, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप लोगों का प्रेम पूर्वक तहे दिल से धन्यवाद।